गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग फिर आज शुरू करते हैं आगे से, क्योंकि उस दिन जरा रेनी डे हो गया। बाकी तो बहुत से लड़कों की ये दिक्कत थी कि सर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शंस को नहीं पढ़ा रहे, तो अभी तो हमारी 2 से 3 दिन की आपकी डेमो क्लास चल रही है, और उसके बाद जो है फिर कंटिन्यूएशन में आप लोगों का सारी चीजें हम एक एक स्टेप लेके चलेंगे। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आखिर सिलेबस है क्या, तो देखिए सिलेबस मूल विधि का अपने आप में शब्द संक्षिप्त छोटे से दिए हुए हैं, और ज्यादातर एक्टों को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। अब एज सच हम ये देखें कि क्या क्या चीज वास्तव में हमें पढ़नी है, अगर देखा जाए तो बहुत सारे विस्तृत रूप हो जाता है सिलेबस का। ऐसे समय में हम लोगों को बड़ा ही परिमार्जित और सेलेक्टिव चीजों को पढ़ना होगा। अब जैसे हम सिलेबस की ही बात करें तो देखिए उन्होंने एक जगह लिख दिया प्रमुख वाद, प्रमुख मामले, उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। अब उसके पहले संविधान का अगर आपने अनुच्छेद 15 पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य स्त्री और बच्चों की सुरक्षा और व्यवस्था या उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयास करेगा। अब आपके सिलेबस में क्या दिया है, स्त्री और बच्चों समाज के निर्बल और दुर्बल व्यक्तियों के प्रति संबंधित नियम अधिनियम, उन्होंने तो एक लाइन पिरो दिया आपको। लेकिन समस्या यह है ऐसे देखा जाए तो हजारों संख्या में बहुत से अधिनियम लागू हैं, हमें जरूरत है कि उनमें से कौन से लेने हैं। जैसे हम स्त्रियों से संबंधित बात करें तो स्त्रियों से संबंधित भारतीय दंड विधान आईपीसी आपको तो पढ़नी पढ़नी है इंपॉर्टेंट में, खासतौर उसमें स्त्रियों के प्रति जो अपराध बताए गए हैं, जैसे बलात्कार हो गया, आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए कार्य कर रहे हैं, आप किसी स्त्री का पीछा कर रहे हैं, आप किसी स्त्री को विवस्त्र कर रहे हैं, अर्थात एक स्त्री अपने प्राइवेट कार्य में लगी हुई है, आप उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं, या तो ये आईपीसी में दिए, या फिर आपने दहेज की मांग कर ली, या फिर आपने उस स्त्री के प्रति क्रूरता कर दी, तो ये छोटे छोटे जो है धाराओं में आईपीसी में बताए गए हैं जिन्हें मैं आपको रूबरू करूंगा, और इनमें से भी जब फाइनल टच मैं आपको दूंगा एकदम विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, और जब फाइनल टच दूंगा तो आपको वास्तव में इनमें भी आपको इंपॉर्टेंट बता के ले जाऊंगा। अब यहां से भी हम एक देखते हैं कि जैसे स्त्रियों के प्रति अपराध में दहेज मृत्यु का बड़ा अपराध चल रहा था, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम डाउरी प्रोबेशन एक्ट, ये अधिनियम हमें पढ़ना है। महिलाओं का आजकल क्या है समाज में, कहते हैं ना कि समाज समान, महिलाओं और पुरुष में समानता की जो अवधारणा है, संवैधानिक पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए राज्य जो है पूरा प्रयास करेगा। ऐसे समय में वो क्या कर रहा है, उसने ऐसी महिलाएं जो घरेलू गृहस्थी में हैं, जिनका विवाह हो चुका है, ऐसे समय में वह ससुराल पक्ष से या अन्यथा प्रताड़ित होती हैं, तो उनके प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए एक विशेष अधिनियम बता दिया। ऐसी महिला जो घरेलू संबंध में है, अर्थात घरेलू महिला हिंसा अधिनियम, एक अधिनियम बना दिया, इनको हमें चर्चा करनी है। फिर महिलाओं से संबंधित अपराध में कार्य स्थल पर जो महिलाएं जाती हैं वो कार्य करती हैं, उनके प्रति, देखिए समाज में देखने का ढंग बड़ा विचित्र है, हमारे यहाँ क्या है सिस्टम में, अभी हम डेवलप कंट्री के ओर बढ़ रहे हैं और पुरातन संस्कृति व्यवस्था के साथ है, इन दोनों के मध्य जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं कुछ विकृतियां भी लेके आ रहा है, क्योंकि हमारी आपकी जो सोच है, हमारे आपका देखने का ढंग है, आज भी हम स्त्री और पुरुष में विभेद कहीं ना कहीं ये हम बायस्ड हो ही जाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो ही जाते हैं। ऐसे समय में वह उन स्त्रियों को सोचिए जो एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, राष्ट्र की जननी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का निर्माण सदियों युवा करता है, एक बच्चा करता है, और उस बच्चे को जन्म देने वाला कौन होता है, एक माँ होती है। तो ऐसे समय में एक महिला, एक स्त्री यदि अपने कार्य क्षेत्र में जा रही है, जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है, तो वहां पे वह किसी भी प्रकार के अपने को असहज महसूस ना करे, ऐसे समय में एक नया अधिनियम बना दिया गया।
महिलाएं का कार्य स्थल पर उनके उनको संरक्षित करने का अधिनियम, जिसमें हमने देख लिया एक विशाखा गाइडलाइन आ गई, उसने गाइडलाइन कर दिया कि महिलाएं 10 से 5 बजे तक ही कार्य करेंगी, कुछ विशेष अपवादों को छोड़ के हॉस्पिटल या अन्यथा, उनको एक गाइडलाइन बना दिया कि अगर उनके प्रति कोई गलत संव्यवहार होता तो उस अधिनियम में दायी होगा। तो ये तो महिलाओं से संबंधित हमने अपराध हटा दिए। हम जो आपको बता रहे हो सकता कुछ अन्यथा अन्य लोग आपको और भी अधिनियमों से रूबरू कराएं, लेकिन चूंकि आपको इस तरीके से हम आपको अपने अनुभव के द्वारा प्रश्नों को देंगे या उन अधिनियमों से रूबरू कराएंगे, अब इन अधिनियमों में बहुत से धाराएं हैं, सोचिए सब धाराएं हम इकट्ठा करते तो आप लॉ के स्टूडेंट बन जाए। आपको तो सिर्फ एक पार्ट मूल विधि देखना है और सिलेक्शन लेना है। ऐसे समय में वह जिम्मेदारी मेरी है कि हम इन बिखरे हुए अधिक अधिसंख्यक अधिनियमों में से किन अधिनियमों से आपको रूबरू कराएंगे और उन अधिनियमों में से भी चुनिंदा क्षेत्रों में आपको ले जाएंगे ताकि प्रश्न आए और आप सही कर लें। उद्देश्य मेरा अभी ये है। अब आते हैं बच्चों के संदर्भ में, तो बच्चों के संदर्भ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम कहते हैं ना बच्चे राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका अदा करते हैं। फिर देखिए संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है, स्त्री और बच्चों के लिए विशेष सुविधा देगा। तो ऐसे समय में बच्चे और एक तरीके से देखिए बंदर, दोनों एक समान होते हैं, दोनों चंचल हृदय के होते हैं। तो ऐसे समय में कहते ना बच्चों का हृदय जो है एकदम साफ सुथरा पाक होता है, लेकिन ऐसे समय में यदि उनके द्वारा कोई ऐसा अपराध मान लीजिए हो जाए, जो कोई भी अपराध हो जाए, तो ऐसे समय में हम उनको और एक समान वयस्क पुरुष दोनों को क्या एक ही धरातल पे तोले? अरे बच्चे हैं, गलती हो गई। ऐसे समय में हम करते क्या हैं कि उन बच्चों को लिए एक विशेष अधिनियम कर दिए और उनको कहते भाई आपने अपराध तो कर दिया, लेकिन अभी हम आपको एक मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही से राष्ट्र का निर्माण होना है, आप ये बच्चे ही कल के भविष्य का निर्माण करेंगे। ऐसे समय में उनके द्वारा बचपने में हुई गलतियों को हम ऐसा नहीं कि उन्हें दंड नहीं देंगे, लेकिन दंड का स्वरूप अलग होगा। उनके लिए हमने बना दिया क्या, आपको जुनाइल जस्टिस किशोर न्याय अधिनियम बना दिया। हमने लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम पॉक्सो बना दिया। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के प्रति लोगों की यौन उत्कंठा, जिसे एक शब्द कहते हैं पेडोफोलिया, पेडोफोलिया एक वर्ड है जिसे कहते हैं जो लोगों की मनोविकार को, प्रवृत्ति को बताता है, अर्थात बहुत से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका शौक सेक्सुअल उसमें बच्चों के प्रति आनंदित होता है, इस प्रकार के ये विकार है, इस विकार को हम पेडोफोलिया कहते हैं। और चूंकि फिर हमारी वही संवैधानिक पवित्रता कि बच्चों का हमें विशेष संरक्षण देना है, तो ऐसे लोग जो छोटे छोटे बच्चों के प्रति अपनी यौन उत्कंठा, यौन विकार से संतुष्टि प्राप्त करते हैं, हम उन्हें साधारण रूप में दंडित ना करके विशेष रूप में दंडित करेंगे। और लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम हमने पास कर दिया। अब रहा बात समाज के दुर्बल व्यक्तियों के प्रति, तो हमने कर दिया समाज में SC ST अधिनियम आपका आता है, उनके संदर्भ में हमने बात दे दिया। तो ये विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं वहां पे, चूंकि आपके पाठ्यक्रम में शब्दों का चयन दिया है ना कि उन अधिनियमों को, तो हमें आपको उन अधिनियमों की रूपरेखा से अवगत कराना है। और चुनिंदा अधिनियम जो वास्तव में प्रैक्टिकल तो सब है, सब प्रायोगिक है, लेकिन जो वास्तव में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ जो वास्तव में सामाजिक स्तर पे जिनकी महती आवश्यकता है, उन्हीं से हम आपको रूबरू कराएंगे पहला। और साथ ही साथ ऐसा नहीं किसी में 100 धाराएं हैं, किसी में 50 धाराएं हैं, तो हम आपसे कहेंगे भैया 50 धारा पढ़ लो, 100 धारा तब तो आप पढ़ते गए, हमें क्या, हम तो आपको समझा देंगे, आप समझ भी लेंगे। लेकिन वास्तव में एक ही अधिनियम तो पढ़ना नहीं है, तो हर अधिनियमों से पहले आपको पूरा अधिनियम में अच्छे से पढ़ा दूंगा जो चुनिंदा है, उसके पश्चात उनमें से 3-4-5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा और उन्हीं में से आ जाएगा जो विगत पुराने समय का हम लोगों का अनुभव रहा है और जिसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। तो ये तो रहा आपके पाठ्यक्रम की बात। अब हम आते हैं जिनमें कल हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आपको यह बता रखा था कि भाई हम कुछ अपराध क्या है, अपराध के चरण क्या है, अपराध क्या है जल्दी से हम उसे 5 मिनट में पिछला लेक्चर आपको रिवाइज कर देते हैं। अपराध क्या है, वह समाज राज जो है समाज को सुव्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए नियमों की एक श्रृंखला बनाता है, उन नियमों की श्रृंखला का उल्लंघन ही क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। अपराध की परिभाषा भारतीय दंड विधान में कहां दी गई, IPC में, तो आपने बताया, हमने बताया धारा 40 में दी गई है। अपराध के आवश्यक तत्व क्या थे, तो आपने कहा मानव
कार्य दुराशय, मानव दुराशय कार्य और क्षति, ये चीज थी। ह्यूमन हो गया, इंटेंशन हो गया, मेंस रिया हो गया, एक्ट हो गया, इंजरी हो गई, ये क्या हो गया, ये आपके अपराध के आवश्यक तत्व हो गए। अपराध के चरण में क्या था, आशय या दुराशय हमने बनाया, फिर उसके लिए तैयारी की, फिर उसके लिए प्रयत्न किया और अंत में उस कार्य को परिणामित कर दिया, पेनाल्टीमेट कर दिया, अर्थात उसमें अंतिमता प्रदान कर दी। ये अपराध के चरण हो गए। इन्हीं अपराधों के अपराध के संदर्भ में हमने आपको तुरंत बताया कि आइए जल्दी से हम लोग देख लें चोरी लूट डकैती क्या होती है। तो हमने बताया चोरी सदैव कहां पर, चोरी परिभाषित कहां है भारतीय दंड विधान में, परिभाषा दी गई है 378 में, और दंड कहां दिया गया है, दंड 379 में दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा में। अब उसमें क्या कि वो चोरी के आवश्यक तत्व क्या है, हमने आपको ये बताया कि चोरी का अपराध पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, तो लूट और डकैती अपने आप आ जाएगी। तो चोरी क्या था, चोरी किसी भी हमेशा किस संपत्ति की होती है, चल संपत्ति की होती है, और किससे वो चल संपत्ति ली जानी चाहिए, वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक हो या न हो, बस उसका कब्जा होना चाहिए। हमने मोबाइल वाला आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया था कि मेरा मोबाइल आपके पास है और आपका दोस्त आपसे वह मोबाइल ले लेता है, भलो ही मालिक तो मैं हुआ। तो एक संपत्ति कैसी होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसके कब्जे से क्या करना चाहिए, बिना उससे सम्मति लिए, बिना उससे परमिशन लिए क्या करता आदमी, बेईमानी पूर्वक आशय, सोच अब अच्छी नहीं है, अभी तक कोई जैसे ही आशय आपका बेईमानी पूर्वक हो गया, आप आपके मेरा मोबाइल आपके पास है और आपका मित्र 2 मिनट फोन करने के लिए ले रहा है और आपको दे दे रहा है, और सोच उसकी है कि कोई गंदी सोच नहीं है कि भाई ले लेते इमरजेंसी है तुरंत फोन से बात कर लें, तो इसमें कौन सी गंदी सोच है, नॉर्मल। लेकिन अगर वो ले ले कि इसको ऐसी जगह रख दें कि आप परेशान हो या हम चुरा लें, तो यहां पे सोच गंदी हो गई। तो जब कोई व्यक्ति किसी से कब्जेधारी व्यक्ति की सम्मति के बिना चल संपत्ति को बेमानी पूर्वक आशय रखते हुए ले लेता है या हटाता है, जैसे ही लेता है, जैसे ही हटाता है, तैसे ही वो कौन सा अपराध कर देता है, चोरी का कर देता है। हमने अगला बताया कि लूट के बारे में, लूट की परिभाषा 390 में है, लूट का दंड 392 में है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, भलो आप लोगों से हमारी मुलाकात जिस भी रूप में हो, जब भी हो, जैसे भी हो, 393 लूट का प्रश्न है जो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन देखिए अभी डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो ऐसे समय में कि कोई जब कभी चोरी करने में कौन सा तत्व जुड़ जा रहा, डर का, अर्थात डर के साथ डराते हुए जब चोरी की जाए तो वही क्या हो जाएगा, वही अपराध लूट में बदल जाएगा। हम राजमार्ग पे जा रहे हैं, मिलते हैं, हमने सीधे पिस्टल दिखा दी कि वह पैसा हमें दे दो, तो अब वो डर किस चीज का है, कहीं अगर हमने नहीं दिया तो हो सकता गोली चला दे, हो सकता कोई गंभीर चोट पैदा कर दे, तो कहीं ना कहीं भय का तत्व जुड़ रहा है। सॉरी। तो ऐसे समय में वह जब जब चोरी करने में या चोरी करते समय भय का तत्व जोड़ दिया जाए तो वही अपराध क्या बन जाएगा, लूट बन जाएगा। अगला हमने आपको बताया, आप लोग भाई कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट हो रहा हो तो कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स का भी कुछ देख लूं, वेट कर लूं। रुचि यादव जी ठीक है, नहीं ऋषभ मिश्रा जी लिवो लर्न पे भी क्लासेस हैं, यहां पर भी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप लोग की जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर आप लोग को रिपीट कराता हूं। अगला आता है डकैती। तो डकैती क्या है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब संयुक्त हो जाते हैं,
संयुक्त होकर लूट करते हैं, या लूट करने में जो लोग उपस्थित हैं, या लूट करने में जो लोग सहायता देते हैं, और कुल मिलाकर कितने हैं, 5 या 5 से अधिक, तो वो क्या करते हैं, वो डकैती करते हैं कहा जाता है। कहां परिभाषा 391 में, और दंड कहां है 395 में। बस आपसे इतना वो पूछने का वो करेगा, तो आपका चोरी लूट डकैती हो गई। अब आइए कॉन्स्टिट्यूशनल में, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का हम पोर्शन बता दें, जिसमें कुछ केसेस हम महत्वपूर्ण लाए हैं, उन केसेस पे हम आज चर्चा करेंगे, प्लस आपको सीआरपीसी के कुछ प्रावधान बताएंगे, साथ ही साथ आईपीसी का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या चीज, क्या अमेंडमेंट हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से। तो सबसे पहले आइए हम आप लोगों को रेप की तरफ ले चलते हैं, एक बलात्कार के संदर्भ में हम एक व्यवस्था आपको बताते हैं कि आखिर क्या चेंजेस हुआ। देखिए थोड़ा सा आप लोग यहां पर देख लीजिए, पहले हम आपको चार्टिंग बता दें, रेप का बलात्संग की बात जिसे हम रेप कहते हैं, धारा 375 आईपीसी में बताया गया है, पहली बात। उसका दंड धारा 376 अपराध, उस अपराध के दंड के बारे में है, पहली बात क्लियर हुई। दूसरी चीज कहती है कि हमेशा रेप बलात्कार एक पुरुष के द्वारा ही किया जाएगा, इसको एकदम ध्यान रख लीजिएगा, बेसिक सा फंडा है छोटा सा, पुरुष के द्वारा ही बलात्कार का अपराध किया जाएगा, ठीक है ना, एक चीज। दूसरी चीज, जब कब वो रेप कितने प्रकार से हो सकता है, तो पहले हम आपको बेयर एक्ट के भाषा में भारतीय दंड विधान में जो चीजें बताई गई हैं उनके बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं। तो कहता है कि 7 प्रकार हैं, जब 7 प्रकार से किसी स्त्री के द्वारा आप यौन संबंध बनाते हैं, तो हम इस प्रकार से बनाए गए यौन संबंध को बलात्कार की या रेप की संज्ञा प्रदान करेंगे और उसके लिए आपको दंडित करेंगे। तो वो 7 प्रकार क्या हैं कि जब आप किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सम्मति के विरुद्ध, या उसको डरा धमका के आप जब किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे यौन संबंध बनाते हैं, उसकी सम्मति के बिना यौन संबंध बनाते हैं, या उसे डरा धमका के यौन संबंध बनाते हैं, या कोई नशे का पदार्थ देते हुए उससे यौन संबंध बनाते हैं, या भ्रम में डालकर उससे यौन संबंध बनाते हैं, या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या आपने कोई नशा दे दिया, या वह जो है अपनी सम्मति इस प्रकार से परेशान है मानसिक रूप से कि वह अपनी सम्मति देने में असमर्थ है, तब आपने बिना सम्मति के यौन संबंध बना लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे उसने सम्मति दी या ना दी, अगर उसकी आयु कितनी है, 18 वर्ष या उससे कम है, तो आप कौन सा अपराध कर रहे हैं, आप बलात्संग का अपराध कर रहे हैं। सिंपल सी बात, सारांश यह निकला कि जब कोई एक पुरुष किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे यौन संबंध बनाता है, तो वह बलात्कार के परिभाषा में आता है या कहा जाता है। अब वो यौन संबंध कितने प्प्रकार से बना रहा है, तो 7 तरीके बताए गए हैं भारतीय दंड विधान के अधीन। पहला वो ये कहता है, फिर से इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग में यह बैठाना है कि बिना स्त्री की इच्छा के आप जब कभी उसकी इच्छा, उसको नशा दे के, कोई नशीला पदार्थ खिला के, या वह बीमार है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कंसेंट सम्मति नहीं दे सकती है, या चित्त विकृत मानसिक वो विकार से पागलपन में हल्के से दौरे में है, या फिर अन्यथा आप उसे विधि पूर्वक भ्रम फैला के कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, इस प्रकार से जब आप किसी स्त्री से यौन संबंध बनाते हैं, तो वह कौन सा अपराध होता है, वह बलात्संग कहलाता है, पहली बात। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा भी जाएगा, एक ऐसी स्त्री जिसकी आयु कितनी है, 18 वर्ष या उससे कम की, 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी स्त्री के साथ, चाहे उसने सम्मति दी हो चाहे सम्मति ना दी हो, आपने अगर उससे यौन संबंध बनाया, तो वह कौन सा अपराध होगा, वह बलात्संग का अपराध होगा।
ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी किसी भी स्त्री से के साथ जो मोस्ट इसका छठवां पॉइंट है कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध या आप उसके चाहे उसने सम्मति दी हो या सम्मति ना दी हो, अगर उसकी आयु कितनी हो रही है 18 वर्ष हो रही है, एक देखिए 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी स्त्री से जो क्वेश्चन, देखिए अब यहां पे हम तो आपको बता दिए ना बलात्संग है क्या। बलात्संग कहता है जब आप किसी स्त्री की इच्छा से उसकी सम्मति के बिना, बिना उसकी इच्छा के या उसे नशीला पदार्थ खिला के यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं तो वह बलात्संग की श्रेणी में आ रहा। पहली बात, वो कितने प्रकार से आप कर सकते हैं, तो भारतीय दंड विधान कहता है 7 प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। दो बात जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा वो ये है कि उसकी आयु कितनी है, अगर 18 वर्ष से कम आयु की है भले ही उसने सम्मति दी हो तब पर भी अपराध क्या घटित होगा, बलात्संग का। और बलात्संग मतलब रेप का जो अपराध घटित हो रहा है वो कहां पे है, धारा 375 में बताया गया है और उसका दंड कौन बताता है, धारा 376। अब ड्रामेटिकली चेंज क्या हुआ आईपीसी में, बस ये ध्यान रखिए। अब इसके लिए थोड़ा सा हम आपको पूरा पीछे लेके चलते हैं। 1862 से बनी हुई है आईपीसी, 1860 और 1862 का प्रवर्तन के साथ आई आईपीसी। वास्तव में चेंज कब हुई, वास्तव में चेंज के लिए वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, वो हुआ निर्भया कांड के बाद। निर्भया कांड में जो अभियुक्तों ने एक कृत्य किया था वो वास्तव में एक कोई भी व्यक्ति सोच से भी परे था, उनकी जो कार्य करने की शैली थी, उनका जो बलात्कार करने का ढंग था वो वास्तव में घबरा देने वाला था। आदमी एक बार सोच ले तो घबरा जाए, बाकी तो जो जिस महिला जो पीड़िता थी उसने क्या फेस किया होगा ये हम आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। तो विधि क्या है, विधि सदैव परिवर्तनशील होती है, समाज का प्रतिबिंब करती है, और विधि स्थिर नहीं है और समाज के प्रतिबिंब करते ही विधि में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन की मांग उठी और निर्भया कांड में क्या हुआ था, उसने उसके वाइटल पार्ट गुप्तांगों में राड और डंडा डाल दिया था, तो इस प्रकार से जो वह इंफेक्टेड हुई और जो चोटिल हुई और परिणाम उसका मृत्यु हो गया, मृत्यु में परिणित हुई। निर्भया कांड के बाद से धारा 375 और 76 में व्यापक संशोधन के लिए विधायिका बाध्य हुई और उसने फिर चेंजेस करना शुरू किया। और क्या चेंजेस शुरू किया, थोड़ा सा पहले तो हमने आपको यहां पे फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि बलात्संग 375 में बताया गया है और जिसके लिए दंड 376 में है। पहली बात, बलात्संग 7 प्रकार से जो आईपीसी कहती 7 प्रकार में से किन्हीं भी तरीकों से एक पुरुष जब किसी स्त्री के साथ लैंगिक संबंध यौन संबंध स्थापित करता है तो इस प्रकार से स्थापित किए गए यौन संबंध को हम साधारण ना मान के बलात्संग की संज्ञा देंगे, बलात्संग का अपराध घोषित करेंगे। दूसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज हमने थी, इन 7 प्रकारों में से जो छठवां था, नंबर भी आपको याद नहीं रखना है कि यदि स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम है तो भलो ही उसने सम्मति दी हो या ना दी हो, आप वह बलात्संग का अपराध घटित होगा। अब अगला चेंज क्या हुआ, अगला चेंज निर्भया कांड के बाद से आया और निर्भया कांड के बाद से यह हुआ कि पहले पूर्व स्थिति यह थी कि पुरुष का शिशन उसका जो लिंग रहता था उसका प्रवेशन महिला के गुप्तांगों में होना जरूरी होता था, तभी हम बलात्कार की श्रेणी में मानते थे। अब क्या है, अब उसको टोटल उन्होंने चेंज कर दिया और ये व्यवस्था की कि यह कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो, इस प्रकार के जो पुरुष का वाइटल अंग है वो महिला की योनि में या उसके संदर्भ में उसका प्रवेशन हो, इतना ही पर्याप्त होगा कि आप जैसे कि उसने उसके गुप्तांगों में उसके वाइटल पार्ट में एक डंडा डाल दिया था, एक राड डाल दिया था, तो इस प्रकार से उन्होंने इस व्यवस्था को चेंज किया और कहा अगर यह भी तरीका आप अपनाते हैं, आप मुंह से संपर्क करते हैं, आप उंगली से संपर्क करते हैं, आप अन्यथा किसी अन्य साधनों से भी संपर्क करते हैं उसके गुप्तांगों में, भलो ही आप
उसके साथ उसका आप में प्रवेशन आपके लिंग का हुआ हो या ना हुआ हो, बलात्कार की हम संज्ञा प्रदान कर देंगे। तो ये ड्रामेटिकल जो चेंजेस हुआ वो रेप के संदर्भ में हुआ। फिर विधायिका ने परिवर्तन किया और आपको ये तीन धाराएं फिर से उसने जोड़ी और कहा 376 AB, 376 DA और DB, अर्थात एक ऐसी स्त्री जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है उसके साथ आप और आपके लोग कई लोग मिलके अगर बलात्कार करते हैं और तत्पश्चात तब हम आपको किस जो दंड देंगे देंगे, हम साथ साथ हो सकता आपको मृत्यु का भी दंड दे दें। उसी प्रकार से अन्य धारा जुड़ी DA, DB, उनमें भी यह व्यवस्था की गई कि यदि 16 वर्ष से कम आयु की आप स्त्री के साथ करते हैं तो क्या व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार ये बलात्कार का जो व्यवस्था थी जो पुरातन थी उसको निर्भया कांड के बाद से काफी चेंज कर दिया गया। तो अब आपने 375 और 76 पढ़ा, क्या चेंजेस कितने प्रकार पढ़े, इस प्रकार की मतलब सम्मति देने में अगर बिना सम्मति के बिना इच्छा के नशे में इत्यादि के माध्यम से आप किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में होगा। पहला क्वेश्चन आपको जो पकड़ना है, जो मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि अगर एक स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और वह भले ही उसने सम्मति दे दी तब पर भी बलात्कार की श्रेणी में मामला आएगा। अगला एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज करिए काफी भी क्षेत्रों में अभी भी जल्दी समय से पूर्व जैसे आयु हम लोगों की विवाह की 20-21 वर्ष और 18 वर्ष रखी गई है तो उसके अलावा जो रूढ़ी प्रथाएं हैं यूजेज एंड कस्टम हैं उनके तहत विभिन्न क्षेत्रों में कम समय में ही विवाह हो जाते हैं। तो ऐसे समय में यदि महिला किसकी आयु 18 वर्ष से कम है और उसके पति द्वारा शादी हो भी गई और उसके पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाया जाता हो, महिला शिकायत कर देती है तो वो भी बलात्संग की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बलात्कार से संबंधित थी। ये तो एक फॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने दे दिया, बाकी जब क्लासेस होंगी तो इनमें फुल चर्चा होगी। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कुछ लोगों का कहना था कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देखा, बहुत लोग कह रहे थे कि सर बड़ा टफ लग रहा है तो हमने और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा टफ है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आज कॉन्स्टिट्यूशन की हम कुछ चीजें आप लोगों को बता देते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग अपने क्लासेस भेज दीजिए। वेरी गुड दीपक मौर्य जी, वेरी गुड सतपाल जी, निश्चित तौर पे शैलेश मौर्य जी ने कहा टॉपिक वाइज पर आए। शैलेश मौर्य जी ये हमारा डेमो क्लासेस है, आपकी एक दो दिन बाद रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और लीवो लर्न पे तो फिर हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे। ये आप अगर आप पहले से भी हमारे क्लासेस देखे हो ठीक है, नहीं तो आगामी क्लास से फिर जुड़ेंगे। और हर ये सब चीजें देखिए समय का अभाव, हमारी ये डेमो क्लास है तो उस हिसाब से बस हम आपको रूबरू कर दे रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा फिर भी जो भी अगर बच्चे जुड़ते हैं या नहीं फिर भी इनमें भी क्वेश्चन छिपे हैं आपके मूल विधि के संदर्भ में। देखिए बहुत से लड़के लिख रहे हैं हम चाहे तो इसको और विस्तारित कर दें टॉपिक्स को, चाहे वो हत्या हो बलात्कार हो लूट हो डकैती हो, लेकिन चूंकि मुझे और भी चीजें आज आप लोगों को परोस के देनी है और भी चीजें से रूबरू कराना है इसलिए अभी हम शॉर्ट में जितना मुझे लग रहा कि शॉर्ट के लिए इतना ठीक है। धन्यवाद अमन कुमार कुशवाहा जी, नवीन तिवारी जी कह रहे हैं सर जी क्लासेस फ्री मिलेंगी इसके लिए आप लोग संपर्क कर लीजिएगा कोचिंग के संस्था के नंबर पर। देखिए सिंपल सी बात इतनी सी बस बता दें, बलात्कार अगर कोई कहता क्या है तो ये कह दीजिए बलात्कार सदैव एक पुरुष के द्वारा किया जाता है पहली चीज, दूसरी चीज हमेशा स्त्री के विरुद्ध किया जाएगा, तीसरी चीज हमने कहा कि वो सात प्रकार भारतीय दंड संहिता कहती, इन सात प्रकारों में से किसी भी प्रकार से आप किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाएंगे उदाहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी सम्मति के विरुद्ध उसे नशा देके उसे भ्रम के अधीन रखे कि मैं ही तुम्हारा विधता विवाहित पति हूं, या ऐसी महिला जिसकी आयु 18 स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है भले उसने सम्मति दी हो या ना दी हो बलात्संग की श्रेणी में आएगा। बलात्संग के लिए
लिए 375 रेप के लिए धारा है और 376 जो है वह उसका दंड देती है। निर्भया कांड के बाद से परिवर्तन क्या हुआ, पहले शिशन का योनि में प्रवेशन पर्याप्त होना ही पर्याप्त माना जाता था कि जब तक शिशन का योनि में प्रवेश ना हो हम बलात्संग की संज्ञा नहीं देते थे, लेकिन निर्भया कांड के बाद चाहे शिशन का योनि में प्रवेश हो या ना हो, हाथ अन्य कोई भी माध्यम अपनाते हैं, आप ओरल आते हैं, आप उंगली रखते हैं, आप कोई भी अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं, तब पर भी हम उसे बलात्संग की संज्ञा दे दें। तो ये एक पूरी व्यवस्था रेप के संदर्भ में हुई। जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स बता दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे आ जाएं। जल्दी जल्दी आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो। वो अलग खोलिए जरा, एक और आता है ना। ठीक है दीपक मौर्य जी, क्लियर है, वेरी गुड। अमन जी ठीक है, सतपाल जी हम ये पढ़े नहीं। अर्णव गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, यदि के लड़की के, फिर से आप रिपीट कर दीजिए अपना प्रॉब्लम। अगला टॉपिक ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब अगले टॉपिक पे आते हैं। एक मिनट बस, चलिए अगले टॉपिक पे हम थोड़ा सा और आपको सीआरपीसी या अन्य जगह ले जाने से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आज पोर्शन बताते हैं और कुछ केस ला बताते हैं। इन केस ला में कोई न कोई केस ला आपका एक दो केस ला जरूर आएगा जिनमें मैं सीधे से आता हूं। इसके पहले हम लोगों ने आपको बताया था, याद करिए उसको भी जल्दी से कहिए रिवाइज कर दें। प्रकृति विरुद्ध अपराध वाला पिछले टॉपिक में हो गया था कि जो कोई पुरुष स्त्री किसी जीव जंतु या जो कोई व्यक्ति किसी पुरुष के साथ किसी स्त्री के साथ या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध यौन संबंध बनाता है तो वह प्रकृति विरुद्ध अपराध करता है, ये कहा जाता है। इसमें एक विवाद फंसा, लोगों ने यह कहा कि साहब हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है क्योंकि ये मेरी अपनी इच्छा है कि हम किसके साथ यौन संबंध बनाते हैं, यह कोई जरूरी नहीं कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ ही संबंध बनाए। ऐसे समय में जब यह विवाद चलने लगा तो नाज फाउंडेशन और सुरेश कुमार कौशल के सहवादों से लेते हुए अंत में एक फाइनल केस आया जिसमें था नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, और जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धारा 377 भारतीय दंड विधान की जो यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी पुरुष किसी स्त्री या किसी जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध अपने अयुक्तियुक्त संभोग करता है तो वह इस अपराध के धारा 377 के दंड से दंडनीय होगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने, समझिएगा फिर से ध्यान से, इसे आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया, बाकी शेष पार्ट पे अभी भी इस धारा की संवैधानिकता बरकरार है। अर्थात आंशिक रूप से क्या हुआ, अर्थात समाज के ये लोग जो किस रूप में है, LGBT अर्थात लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है और ट्रांसजेंडर है, ये लोग अगर अपनी सम्मति से अपने समुदाय से अपने लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो अब वो धारा 377 में दंडनीय नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति चाहे ये लोग हो चाहे अन्यथा बच्चों के साथ
या फिर जीव जंतु के साथ अभी भी अगर यौन संबंध बनाएगा तो धारा 377 आकर्षित होगी। सिर्फ किसको छूट मिली है? ऐसे व्यक्तियों को जो एलजीबीटी समुदाय के हैं। इसके लिए कौन सा केस महत्वपूर्ण है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक केस आपका यहां भी खत्म हो गया। अब अगले केस पे हम आते हैं जल्दी से। देखिए अब आइए हम लोग थोड़ा सा आज इन पे चर्चा कर लें। प्रमुख मामले देखिए, पहले प्रमुख मामले केस ला जो मैंने आपके लिए एकदम स्पेशल निकाल के रखे हैं। इनके अलावा और भी स्पेशल केसेस निकाल के रखे हैं। देखिए आप लोग विधि के छात्र नहीं हैं छात्रों, लेकिन फिर भी आप विधि के छात्र जैसा अगर प्रदर्शन करने लगे तो कितनी मजेदार बात है। हमारा बस उद्देश्य इतना है कि आप जब भी एग्जाम देने जाइए तो लॉ के पोर्शन को तनावग्रस्त ना होके एक इंजॉय के साथ आप देने जाइए। निश्चित मानिए 100% गारंटी देता हूं कि विधि का प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, यह मेरी विश्वास है। लेकिन बस शर्त इतनी है कि जितने टॉपिक तक हम सीमित रहें। देखिए कहते हैं ना मानव जो है उच्छृंग, मतलब एकदम वास्तव में एकदम स्वतंत्रता प्रिय है। ऐसे समय में हम भी हो आप भी हो एक मानव टेंडेंसी है, इसका भी नोट्स ले लें, उनका भी नोट्स ले लें, ये भी ट्यूब पे देख लें, भी आप देखो खूब करो, लेकिन मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहती है। और सिर्फ आपको मूल विधि मूल और संविधान नहीं पढ़ना है, अन्य पार्ट भी पढ़ने हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए हमने आपके लिए कुछ चुनिंदा 10 से 15 कुछ केस ला आपके लिए रखे हैं, और मानिए विश्वास उन्हीं 10-15 केसेस में से आपके केस ला भी वो पूछ लेगा, जिनमें आज हम कुछ केसों पर चर्चा कर लें। ये केस लिख तो लीजिए आप लोग, लेकिन ये तो अभी सिर्फ थोड़े से हैं, लेकिन बाकी में हम आपकी चर्चा करेंगे। जैसे पहला किसी ने हमसे पूछा भी था, केशवानंद भारती बनाम यूनियन भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। दूसरा आता है आईआर किहलो, केसेस बस देख लीजिए अभी, आईआर किहलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। तीसरा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। अगला आता है अरुणेश कुमार वर्सेज बिहार राज्य, और नालसा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और सायरा बानो वर्सेस भारत संघ, और जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। ये 5-6 केसेस तो मैंने यहां पे रखे हैं, जिनमें एक एक चर्चा हमने आपकी नवतेज सिंह जौहर की करी दी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आज हम केशवानंद भारती पे आते हैं, और इनमें से एक आध आपको बता देते हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, जिनमें हम आपको चलिए बता देते हैं शायरा बानो वर्सेस भारत संघ। या इतने केसेस हैं, एक तो मैं आपको बता ही रहा हूं, बाकी हम आपको बहुत क्विक केस से नहीं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे और हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं पूरा माहौल बना के नहीं भेजूंगा। मैं वास्तव में उन्हीं प्रश्नों के साथ कोशिश करूंगा कि भेजूं आपको जो वास्तव में पूछे जाएंगे। अब केसला है, इनको बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाना रहेगा, एक एक लाइन बस बोलूंगा वो केस पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और पूरी विस्तृत चर्चा हम क्लास में या आगामी क्लास जब रेगुलर हो जाएगी तब उसमें करते चलेंगे, और एक एक केस से आपको तुरंत वो आप उससे रूबरू होते रहेंगे। अब इनमें मैं आपको आज आप दे रहा हूं, एक तो मैं बताने जा रहा हूं केशवानंद भारती का केस, दूसरा आप लोग देखिए किसकी बहुमत रहती कौन सा केस आप हमसे और जानना चाहते हैं। तो 3 केस हो जाएंगे, पहला नवतेज सिंह जौहर वाला आपने देख लिया, दूसरा केशवानंद भारती मैं आपको बताने जा रहा हूं, और तीसरा आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। तो लाइए कमेंट्स बॉक्स में देख लें जरा, कुछ आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है दीपक मौर्य जी, आप अपनी नोट्स तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लोग हमारे स्टूडेंट हैं, कॉन्फिडेंस रखिए। मैं किसी और के नोट्स को देखने के लिए आपको मौका ही नहीं दूंगा, खुद इसी में आप पर्याप्त रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। केसला आप लोग बता दीजिए जल्दी से विद इन 1 मिनट के अंदर, इनमें से कौन सा है?
चलिए, लालसा का कहा दीपक मौर्या जी ने, चलिए तब तक हम लोग आते हैं, आप लोग लिखते रहिए केसला के बारे में, लेकिन हमें बताइए, लेकिन तब तक फिर हम आते हैं केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। क्या मामला हुआ? उस मामले को करने से पहले हम कभी आपने संविधान अगर देखा हो कि संविधान क्या है, केशवानंद भारती तो मैं बता ही रहा हूं, आप लोग परेशान ना होइए। देखिए, ये पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। हम ये नहीं कहते आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करें, प्रस्तावना है, हम पूरा नहीं कहते आप रटिए, लेकिन वो जो प्रश्न पूछेंगे उस हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला आप देखिए, अभी कभी आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो इन शब्दों को बस नोट कर लीजिएगा कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, हम भारत के लोग भारत को एक क्या करेंगे, प्रस्पलो करेंगे। पहले तो अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से अगर उन्होंने पूछा तो वो ये एक तो पूछेंगे, पहला क्वेश्चन इसका सीक्वेंस आपको बना देंगे, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, आगे पीछे कर देंगे, कहेंगे सीक्वेंस क्या है, आप बस एक शब्द याद रख लेंगे ना, प्रस्पलो। हम सबका एक एक शब्द आगे ला दिए हैं, और वो कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से हैं प्रभु? अभी मैं प्रस्तावना से संबंधित कोई बात बता ही नहीं रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में क्या कितने कितने शब्दों का समावेश है, बाकी फुल लेक्चर हमारे कंटिन्यूएशन में होगा जब रेगुलर क्लास रहेगी, लेकिन आज प्रस्तावना से रिलेटेड पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। तो कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दिया है कि नहीं। देखिए, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले यही चीजें आएंगी और इसको सीक्वेंस के साथ आपको सेट करना रहेगा, वो आगे पीछे कर देंगे, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्या आपने फॉर्मूला याद किया? प्रस्पलो। बाद में आप याद कर लीजिएगा इतनी चीजें, तो प्रस्तावना के शब्दों से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा कहता, हम न्याय दिलाएंगे कैसा? सारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर कहता आपको स्वतंत्रता होगी कैसी? इसको लिख लीजिए, न्याय कैसा दिला रहे हैं आपको? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए और कैसा न्याय प्रदान करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात,
स्वतंत्रता किस चीज की रहेगी? अभिव्यक्ति की रहेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी और विश्वास की रहेगी और उपासना की रहेगी और धर्म और विश्वास। अब देखिए इतनी स्वतंत्रताएं हैं, कितनी, पांच प्रकार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और सॉरी ये विचार है। अरे क्या, इसको काट दीजिए, यहां विचार कर लीजिए। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो रही है? पांच प्रकार की। और अन्य शब्द क्या क्या हैं इनको हमें पढ़ना है। हम आपको ये सिर्फ अभी सिर्फ एक कीवर्ड बता रहे हैं, उसके लिए आपको प्रतिष्ठा। अब यहां आ जाइए, अप्रस गए, ठीक, अवसर की समता, अवसर, प्रतिष्ठा, एकता, अखंडता, बड़ा बड़ा आ रहा है कि नहीं बोलिए, देख लीजिए टॉपिक में, आप लोग देख लीजिए कमेंट्स में, अगर ना हो तो हम और बड़ा कर दें। और गरिमा, इतने शब्दों का समावेश है। पहला कि वो पूछेंगे कि संविधान में किस आ सकता है ये प्रश्न कि संविधान में कौन सा शब्द नहीं है, पहला। दूसरा कहेंगे किस किस चीजों का न्याय प्रदान कर रहा, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, पहला का सीक्वेंस बना देंगे, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। अगला आपसे क्या कर देंगे, राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता और गरिमा। तो ये मेरा उद्देश्य इतना ये था, इन्हीं शब्दों से मिलके प्रस्तावना का निर्माण हुआ। अब प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना वास्तव में कोई भी अधिनियम जब बनाती है सरकार या कोई भी विधायिका बनाती है तो उस वह अधिनियम किस दिशा में, किस रूपरेखा के साथ, किन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ेगा, यह चीज हम प्रस्तावना से जानते हैं। कोई भी अधिनियम अगर बना, कोई भी नियम कानून अधिनियम बना, तो सरकार पहले उनमें एक प्रस्तावना का खंड जोड़ती है और कहती है कि इसी प्रस्तावना के अनुरूप ही यह अधिनियम इस प्रस्तावना की भावनाओं को लेते हुए आगे बढ़ेगा। ये तो प्रस्तावना क्या हुई, वो अभी हम संविधान की प्रस्तावना हो चाहे किसी नियम अधिनियम की प्रस्तावना हो, हम एक कॉमन, चाहे या लेखक जब कोई पुस्तक लिखता है तो वहां एक प्रस्तावना लिखता है कि हम ये किताब क्यों लिखे, क्या ऑब्जेक्ट है और किताब मेरी किन विचारों के साथ आगे बढ़ेगी। तो प्रश्न, अब हम आते हैं केशवानंद भारती की तरफ। पहले तो हमने शब्दों से आपको रूबरू किया कि क्या क्या शब्द हैं, प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समता, न्याय, गरिमा, एकता, अखंडता, ये सारे शब्द हैं। देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, इन शब्दों के साथ ये जब आप पढ़ेंगे तो सीक्वेंस सेट होता चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ऐसे भूलेंगे नहीं कि पहले में 4-3-5-5 का सेट बना हुआ है। एक बार अब हम आते हैं संविधान की प्रस्तावना के टॉपिक में, इन द फर्दरेंस ऑफ केशवानंद भारती के बाद से मामला शुरू हुआ। प्रश्न पहले यह हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना तो सिंपल सा उस वो हमने बताया कि प्रस्तावना के माध्यम से ही कोई नियम अधिनियम या कोई भी चीज आगे बढ़ती है। तो क्या हम इसको उस संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो प्रारंभ जो निर्वचन हुए थे, बहुत से मुकदमे थे जिनमें हम आपको ले नहीं जाना चाहते, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, बेरुबारी वाद, इन सब से हटाइए। शुरू में यह कहा कि प्रस्तावना साहब समाज का, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
लेकिन संविधान के आदर्शों को जानने की कुंजी अलग है, ऐसा बेरुबारीवाद में कहते लोगों ने इंटरप्रिटेशन कर दिया माननीय न्यायालय ने। लेकिन यह मामला पहुंचा आपके केशवानंद भारती के बाद से, चूंकि यह संविधान का अंग नहीं है, इसलिए क्या संविधान का अंग ना होने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उसमें संशोधन कर सकती है या नहीं। अब ये सारे विवाद कि क्या संसद का संविधान प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कर सकती है आंसर तो, दूसरी तरफ उसे संविधान का अंग नहीं मान रहे हैं। ये सारे विवाद बढ़ते हुए केशवानंद भारती में गया मामला, और केशवानंद भारती के 13 जजेस बेंच ने यह फैसला दिया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है एक बात, और संसद को पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन करने की अनन्य असीमित शक्ति प्राप्त है, दो बात। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना में नहीं कर सकती, पहला तो उसे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना एक बात, दूसरा पावर कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, अर्थात अर्थात यह कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी अंग में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, लेकिन बस एक मर्यादा आरोपित कर दी। वो मर्यादा ये आरोपित की कि मूल ढांचे को छोड़कर, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है, जो क्रक्स निकल के आया केशवानंद भारती से, संविधान का भाग है। दूसरा, इसमें संशोधन संविधान में संसद को अनन्य शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो चूंकि अंग है तो उस प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन कहीं भी अगर संसद शक्ति अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन कर रही है, तो बस एक सीमा बस हम आरोपित कर रहे हैं, न्यायपालिका कहती है कि वह सीमा यह है कि आप मूल ढांचे को छोड़कर। अब मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, और मूल ढांचा क्या था ये उस समय बताया नहीं, उन्होंने कहा समय समय पर हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। आपके समझने के लिए मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा जो प्रस्तावना में जो भाव दिए हैं, जो पिलर्स हैं, जो हमारी न्यू है, उस न्यू को बिना हिलाए आप कोई भी संशोधन कर दो। अब वो न्यू क्या है, वो भाव क्या है, वो विचार क्या है, वो हम प्रस्तावना से देखते हैं। क्या यही शब्द सारे शब्द कि राष्ट्र की एकता अखंडता, न्यायिक पुनर्विलोकन, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की स्वतंत्रता संपन्नता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये क्या है, ये हमारे पिलर्स है, ये हमारी एक तरीके से न्यू है। आप कुछ भी संशोधन करो, लेकिन इस तरीके से ना करना कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पे कोई आंच आ जाए, इस तरीके से ना करना कि न्यायालय को इस तरीके से अवरुद्ध कर दो कि न्यायिक पुनर्विलोकन ही वो ना कर पाए। तो मूल ढांचा हुआ क्या, मूल ढांचे का सिद्धांत उत्पन्न कहां हुआ, मूल ढांचे का सिद्धांत आपका बेसिक जो आपका मूल ढांचा है वो, उसका सिद्धांत की उत्पत्ति आपकी केशवानंद भारती के वाद से होती है, और उसमें तीन चीजें जो क्रक्स निकल के आया, पहला प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और दूसरा संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, तीसरा इस असीमित शक्ति पे बस एक निर्बंधन है, क्या कि मूल ढांचे को छोड़ के संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है। और मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा संविधान के आदर्श, संविधान की आत्मा, संविधान की पवित्रता, संविधान के पिलर्स, यही मूल ढांचा है। अर्थात इस प्रकार से संशोधन ना करिए। हम एक एग्जाम्पल बता दें कि हमारी राष्ट्र की एकता या अखंडता ही पराजित हो जाए, आपको अनन्य शक्ति है, आप किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिए, लेकिन अगर उससे हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित हो रही है, तो इसका मतलब सीधे सीधे आप मूल ढांचे के सिद्धांत का वायलेशन कर रहे हैं। ऐसे समय में मूल ढांचे को छोड़कर आप किसी भी प्रकार का संशोधन कर दीजिए, ये अनुमन है। ये चीज थी केशवानंद भारती में। प्लीज कमेंट्स दीजिए, फिर आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी बताइए, हम आगे बढ़े।
हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वो आप इस संदर्भ में ना रही कि इंदिरा गांधी जी ने दिया या क्या किया। हाँ, निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी जी के समय, मैडम गांधी इस समय एक तरीके से पूर्ण सत्ता में थी, बहुत ही उत्साहित अवस्था में थी, तो ऐसे समय में उन्होंने पूरी तरीके से सिस्टम को कैप्चर करना चाहा। लेकिन हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का पृथक्करण, यह भी मूल ढांचा है, ध्यान रखिएगा। तुरंत न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति का करते हुए केशवानंद भारती में दे दिया। और इसके पहले मैं जो वॉयस बंद हो गई थी, अभी तक संसद सबसे ज्यादा सर्वोच्च हुई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन में तीन शब्द जोड़े गए थे, राष्ट्र की एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे आधारित थी। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संसद अभी तक सबसे सर्वोच्च स्थिति में थी, जिसके अतिवादी बिंदुओं, जिसके निगेटिव पोर्शंस को बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। और इसके पहले केशवानंद भारती से तीन बातें जो मैंने तीन से चार बातें बताई वो आई। तो केशवानंद भारती का केस क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी से बताइए। ठीक है दीपक मौर्या जी, वॉइस आ गई है। चलिए दीपक मौर्या जी, आपका हो गया। अब अगला कोई केस हमने पूछा था तो क्या था, आप लोगों ने बताया नहीं। हाँ, किसी ने हमसे कहा नालसा बता दीजिए सर, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ, क्या हुआ इसमें? देखिए अभी तक हम अगर बात करते थे जेंडर की, तो मेल और फीमेल दो नामक जेंडर होते थे, ठीक है, पुरुष और स्त्री। अब एक तृतीय लिंग वर्ग भी जोड़ दिया गया इसी केस के माध्यम से, थर्ड जेंडर। ये जो आपका केस था, ये भी केस याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व में स्थिति थी कि दो ही प्रकार के वर्ग जाने जाते थे, वो कौन कौन से जाने जाते थे? पुरुष और स्त्री। ऐसे व्यक्ति समाज में जो वास्तव में ना पुरुष वर्ग में थे ना स्त्री वर्ग में थे, उनकी वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति, प्रास्थिति बहुत ही दयनीय थी। हम कहीं ना कहीं, हमारे आप देखिए, विभेद था आंखों से देखने का,
वो अपने उस परिस्थिति उस स्टेटस के लिए लड़ाई कर रहे थे और अंततः यह केस आया नालसा राष्ट्रीय कानूनी विधिक सेवा प्राधिकरण का। और उसमें क्या चेंज हुआ, पहला काम तो उसने ये किया कि वह जो वर्ग है, जो ऐसा वर्ग जो ना स्त्री के रूप में है ना पुरुष वर्ग में आता है, उसे बीच की अवस्था को जो हम कहते हैं ट्रांसजेंडर या इस तरीके से, तो ऐसे समय में उनके लिए एक वर्ग दिया गया और वो वर्ग का नाम दिया गया थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग वर्ग। और तृतीय लिंग वर्ग अब क्या है, वर्तमान में परिस्थिति क्या हो गई, मेल हो गए, फीमेल हो गए और थर्ड तृतीय जेंडर आ गए, थर्ड तृतीय लिंग वर्ग आ गया। ये तीन वर्ग अब जब आप कभी भी फॉर्म भरेंगे या कभी भी कुछ देखेंगे तो इस तरीके, पहले मेल है या फीमेल, अब इसके तरह कॉलम में यह भी आने लगा। ये तो परिणाम हुआ इस मुकदमे का। क्या है इस मुकदमे के पीछे का जिस्ट, क्योंकि ऐसा वर्ग जो वास्तव में समाज के रूप में, समाज में ना ही वह स्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त था ना ही पुरुष के रूप में। देखिए हम जो इंसान हैं उस वह बनाई हुई ऊपर की, ऊपर वाले की बनाई हुई संतान है। सोचिए ऊपर, जिसे हम कभी कभी, बहुत से लोग जो दिव्यांग होते हैं लोग उनके ऊपर उपहासित होते हैं, किसी ना किसी रूप में कुछ समाज के ऐसे वर्ग हैं जो उस परिस्थिति को नहीं समझ पाते, उनके दर्दों को है क्या, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज को हम उपहासित कर रहे हैं। हम कौन होते हैं, बनाया किसने है हमें, आपको उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, उस परम सत्ता ने, उसकी बनाई चीज को हम उस पर हंसी करें। लेकिन वास्तव में समाज में अभी भी ये वर्ग, ये लिंग वर्ग ऐसा था जिसे हम हिजड़े के रूप में कहते थे, जिसे हम अन्यथा कोई शब्द कहते थे और वास्तव में उन्हें उपहासित करते थे और वो अपनी उस परिस्थिति को बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे समय में एक केस आया और उस केस के माध्यम से एक वास्तव में, हम सभी आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ाए थे, व्यक्ति की गरिमा, सोचिए गरिमापूर्ण जीवन जीना। आप किसी को, आप हैं, अभी तक क्या था, मेल और फीमेल की संकल्पना थी। आपको हम कहते हैं ये लो रोटी फेंक दे और कहते हैं खा लो, कभी नहीं खाएंगे, आप भूखे मरना पसंद करेंगे क्योंकि आपकी गरिमा को चोट लग रही। वैसे ही सोचिए ये तृतीय लिंग वर्ग कितना उपहासित होता था समाज में, कितने निंदनीय लोग इसे निंदनीय मानते थे। ऐसे समय में इन्होंने अपनी परिस्थिति के लिए संघर्ष किया और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस माम केस के माध्यम से, नालसा केस के माध्यम से उनको एक परिस्थिति दी। अब क्या परिवर्तन हुआ, अब इस केस के माध्यम से अब ऐसे समाज के वर्ग के लोग जो पुरुष, ना ही पुरुष ना ही स्त्री में है, ऐसे बीच की अवस्था में, उनको तृतीय लिंग वर्ग माना पहला, उन्हें समाज में पिछड़ा वर्ग की मान्यता दी। पिछड़े वर्ग की मान्यता देने से वो ओबीसी वर्ग में आ गए, तो उन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, समाज में पिछड़े वर्ग होने का रिजर्वेशन का फायदा मिला। अगला जो अनुच्छेद 15(2)(1) और (b) कहता है आप किसी भी जगह पहुंच कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता मिली है ना कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, पहुंच का प्रयोग करने का जो अधिकार था वो उन्हें मिल गया। इन्हें अपनी आजीविका चलाने का, गाना बजाने का एक परिस्थिति के साथ इन्हें अधिकार मिल गया। तो इतनी चीजों के साथ आज ये वर्ग आपके सामने आ गया, तो अब तीन वर्ग हो गए और उस तीन वर्ग को क्या क्या एडवांटेज मिले, मैंने आपको बताया। मेल फीमेल के बाद इस मुकदमे ने उन्हें ट्रांस थर्ड जेंडर के रूप में उन्हें मान्यता दी समाज में। दूसरा, उनको रिजर्वेशन प्रदान किया, ओबीसी वर्ग माना। तीसरा, साथ ही साथ उनके व्यवसाय, जो समाज अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, वो प्रदान किया, वो जो चाहे वो करें और अब परिस्थिति के साथ करें। तीसरा, साथ ही साथ 15(1) और (b) में उन्हें क्या कहा, कहीं भी किसी भी चीज को प्रयोग करने का, कहीं भी कहीं आने जाने का, तो ये सारी चीजें। और अनुच्छेद 21 में उन्हें उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से उन्हें रूबरू कर दिया गया और एक परिस्थिति दे दी गई। तो ये केस था आपका नालसा का। बाकी क्लासेस हम लोगों की कल जैसा प्रॉपर रहेगा आपको मिल जाएगा। इन बिटवीन कुछ आप लोगों को, वेरी गुड दीपक मौर्य जी, नालसा, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए और थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स भी देते चलिए, निश्चित रहिए इन्हीं सब में से आना है। बाकी आपको विद्वान ना बनना ना मैं बनाने जा रहा हूँ, सीधी सी बात। हाँ, इतना जरूर जा रहा हूँ कि आपके कंधे पे
आपके यहाँ पर आपका स्टार लगा हुआ देखना चाहता हूं, और ललाट पे भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। कौन इस केस में क्या मतलब है, कोई जरूरी नहीं, आप नाल से ही ध्यान रख लीजिए दीपक मौर्या जी, इट विल बी सफिशियंट। जरूरत नहीं है कि कौन था मुकदमा, कौन जज था, कोई मतलब ध्यान मत दीजिए। और जल्दी से बताइए अपनी अपनी समस्याएं कुछ हो। बाकी क्लासेस हो सकता कल और हो या जैसा भी हो, आपको यहां से मिल जाएगा। ये मुझे जानकारी का अभाव है दीपक मौर्य जी, जहां है वहां मैं तुरंत बता दूं किन्नर का मुख्य कौन था गुरु जी। ये संस्था थी, ये जो केस किया था एक संस्था के माध्यम से किया गया था, तो इस तरीके से ये आपका है। बाकी जो मैंने आप लोगों को यहां पे बताया था, ये देखिए ये वाला, इसको ध्यान रख लीजिएगा। जो चलिए बाद में हो जाएगा, जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म्स में बताए थे, प्रस्फल हो गया, नवई अवधि हो गया, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाकी जैसा भी होगा अपडेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। हैव ए गुड नाइट, गुड इवनिंग।